हेलो दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं हमें काफ़ी सारे काम, और वो काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें पूरा दिन हमारा होता है वेस्ट। तो कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आज मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, अक्सर क्या होता है कि हम नींबू का रस निकाल लेते हैं और नींबू का जो ये छिलका होता है हम इसको फेंक देते हैं डस्टबिन में, ये समझकर कि अब हमें इसका करना क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप इसको दो तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये चाकू होते हैं ये कई बार इतने गंदे हो जाते हैं, हम इसको स्क्रबर की हेल्प से भी साफ़ करते हैं, साफ़ तो हो जाते हैं लेकिन ये जो पीलर है इसके अंदर इतनी गंदगी रह जाती है, ये बिल्कुल भी साफ़ होकर नहीं देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये नींबू का छिलका लेना है और इस नींबू के छिलके को अपने पीलर पर अच्छे से रगड़िएगा, अंदर की तरफ भी रगड़िएगा और बाहर की तरफ भी रगड़िएगा। इसके बाद ये दूसरे वाला जो चाकू है इस पर भी आप दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको रगड़िएगा। रगड़ने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो नींबू जो होता है ये मैल निकालने के काम आता है। फ्रेंड्स, रगड़ने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और फिर वॉश कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ये कितना बिल्कुल साफ़ हो गया है और उसमें कितनी अच्छी चमक भी आ गई है। देखिए फ्रेंड्स, कितना ये शाइन कर रहा है। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट टिप्स है अपने हाथों को लेकर। फ्रेंड्स, पूरा दिन जो होता है हम लेडीज़ लोगों का वो हाथों से ही हमारा काम करते करते निकल जाता है। जितने भी सारे काम होते हैं हम अपने हाथों से ही करते हैं। हम अपने बालों की, अपने चेहरे की तो केयर कर लेते हैं लेकिन हाथों की केयर करना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारे हाथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हम अगर अपने फेस पर अपना हाथ फेरें तो वो हमें काफ़ी ड्राई ड्राई और सूखे सूखे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। यही जो नींबू का छिलका हमने लिया था हमें इसको अपने हाथों पर रगड़ना है। फ्रेंड्स, हमें ये दोनों हाथों पर रगड़ना है, ऊपर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। नींबू के छिलके में गंदगी निकालने का, मैल निकालने का एक कुछ इसमें होता है नींबू के छिलके में, जिससे कि हमारी गंदगी और जो मैल है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं अपने दोनों हाथों पर अच्छे से इसको रब कर लूँगी। इसको रगड़ने के बाद मैं अपने दोनों हाथों से ही एक दूसरे के हाथ की मालिश करूँगी, जिससे अच्छे से ये जो ये नींबू का रस है वो मेरे हाथों में अंदर अच्छे से चला जाए। इसको रगड़ने के बाद 2 मिनट ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इसको छोड़ दूँगी। इसको छोड़ने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद फ्रेंड्स मैं अब अपने हाथों को करूँगी ड्राई, और ड्राई करने के बाद फ्रेंड्स मैं लूँगी ये नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे घर में सभी के में अक्सर मिलता है। फ्रेंड्स ये देखिएगा, मैंने थोड़ा सा नारियल का तेल ले लिया है और मैं लगाऊँगी इसको अपने हाथों पर दोनों तरफ, ऊपर भी और अंदर की तरफ भी, और अच्छे से कर लूँगी मैं मालिश। फ्रेंड्स एक बात आप याद रखना, ये जो टिप्स है ये आप सिर्फ रात को ही यूज़ करना, क्योंकि रात में हमारे सारे काम निपटने के बाद पूरी रात हमें कोई काम नहीं रहता है। तो जो हम ये मालिश करेंगे नारियल के तेल की, ये जो तेल है पूरी रात हमारे हाथ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो रात में ही आप ये टिप को फॉलो कीजिएगा। तो अच्छे से मैं इसकी मालिश कर लूँगी और अपने हाथों पर एक दूसरे के हाथ से ऐसे प्रेशर देकर हाथों को अच्छे से दबाऊँगी भी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी चमक आ गई है मेरे हाथों में, आप भी ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह के चश्मे को लेकर। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, कम दिखाई देता है, वो लोग अक्सर चश्मे का यूज़ करते ही हैं। बिना चश्मे के फ्रेंड्स उनको दिखाई नहीं देता है और अगर वो चश्मा यूज़ ना करें तो उनको सर में भी दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जिन लोगों के बाल जो हैं वाइट होते हैं वो मेहंदी लगाते हैं, डाई लगाते हैं, और बिना चश्मे के अगर वो मेहंदी या डाई लगा लेते हैं उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मेहंदी और डाई के साथ चश्मा वियर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो ये डंडियाँ होती हैं इन पर लग जाती हैं मेहंदी या फिर तो फ्रेंड्स फिर मेहंदी या डाई उन्हें हटानी पड़ती है। तो मेहंदी या डाई आपके चश्मे की डंडी पर ना लगे, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको लेना है ये फॉइलिंग पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस ये फॉइलिंग पेपर हमें लंच पैक करने के काम आता है। तो मैं इसका आपको एक दूसरा यूज़ भी बताऊँगी। फॉइलिंग पेपर ऐसे लेकर आप थोड़ा सा उसमें से फाड़ लीजिएगा। फाड़ने के बाद ये जो डंडी है इसको अच्छे से फॉइलिंग पेपर को आप इस पर रैप कर दीजिएगा। दोनों साइड से ही फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये रैप करना है, बहुत अच्छे तरीके से। रैप करने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि इस पर मेहंदी या डाई नहीं लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही डंडियाँ कवर कर ली हैं फॉइलिंग पेपर की हेल्प से। अब अगर आप मेहंदी लगाएं बालों में या डाई लगाएं तो अच्छे से आप अपने चश्मे को लगा सकते हैं, आपकी जो ये डंडी है ये गंदी भी नहीं होगी, ऐसी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स बढ़ती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स प्याज को लेकर।
फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, सभी सब्जियों में फ्रेंड्स हमारा प्याज का यूज़ होता है, स्पेशली जो हम पुलाव बनाते हैं उसमें हम थोड़ी सी मोटी लच्छे वाली प्याज डालना पसंद करते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक प्याज के दो पार्ट कर लूँगी। दो पार्ट करने के बाद प्याज को बहुत छीलना, बहुत मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताऊँगी कि आप प्याज को एक अच्छे तरीके से कैसे छील सकते हैं, कैसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला चाकू नहीं लेना है, आपको लेना है ये पीलर। फ्रेंड्स पीलर की हेल्प से देखिएगा, मैं आपको प्याज कट करके दिखाऊंगी, देखिए कितनी महीन और कितनी ट्रांसपेरेंट ये प्याज कट रही हैं। रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े ढाबों में इसी तरीके से प्याज काटी जाती हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके के प्याज को पुलाव में डालेंगे तो पुलाव का टेस्ट अलग ही आपको आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से ये प्याज कट गई हैं, आपने ये कभी पहले ये ट्रिक नहीं देखी होगी। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से ये लच्छे वाली प्याज कट गई हैं। आप चाहें तो इसको सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी सलाद काफ़ी खूबसूरत लगेगी, और अगर आप पुलाव में डालना चाहें तो पुलाव भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितने आसान तरीके से इतने सुंदर डिज़ाइन में मैंने इन प्याज को कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप भी ये जो ट्रिक है इसको ज़रूर आजमाइएगा अपनी किचन में। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स एक बेल आइकन का बटन होता है, प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट टिप है दूध को लेकर। फ्रेंड अक्सर क्या होता है, हम दूध को गैस पर रखकर भूल जाते हैं और दूध हमारा निकल कर बाहर आ जाता है। यही जो सिचुएशन है हमारी चाय के साथ भी हो जाती है कि चाय कई बार निकल कर बाहर आ जाती है, लेकिन हमारा दूध और चाय निकल कर बाहर ना आए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है। चाहे हमारा दूध गैस जो है हाई फ्लेम पर हो और दूध बाहर ना आए, उसके लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ले लेना है आपको बेलन। फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे बेलन तो रोटी बनाने के काम आता है, फिर बेलन का दूध के साथ क्या यूज़ करना है। जी हाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप दूध गर्म करने के लिए रखें तो इस तरीके से अपने बेलन को अपने भगोने के ऊपर आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपका दूध ऊपर आएगा तो वो बेलन की हेल्प से फटाफट से नीचे चला जाएगा। ये देखिए मेरे गैस की हाई फ्लेम है और दूध ऊपर आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही बेलन से टच होगा वो खुद ब खुद ही नीचे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स है ना कमाल की ट्रिक, आप इस ट्रिक को फॉलो कर फ्रेंड्स अपने किचन की काफ़ी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाइएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने खुद ने भी ये ट्रिक आजमाई है। मेरा कई बार दूध बह जाता था, इतना महंगा दूध आता है, निकलता है तो काफ़ी दुख होता है। तो इस ट्रिक को आजमाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें फ्रेंड्स।